आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट वन हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर दो का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग को पता है कि चैप्टर दो एकदम पूरा तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, ये स्पेशल बैच के तौर पढ़ रहे हैं हम लोग। हम क्या बताते हैं कि स्पेशल बैच में क्या होगा, पहले चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे उसका, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, और फिर इसी आधार पर हम मॉडल सेट देंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए कि आपको कितना उसमें से याद हुआ, क्या हुआ, ये सब उसमें रिवीजन हो जाएगा। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। अगर चैप्टर दो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लेलिस्ट को वहां से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम जो दो अध्याय दो खत्म हुआ है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू किए गए हैं। तो चलिए, ये पहला क्वेश्चन है, वेद कितने प्रकार के होते हैं। आप लोगों को हम बताए हैं वेद कितने प्रकार, चलिए बताइए वेद कितने प्रकार के होते हैं। ए 4, बी 8, सी 6 और डी 10। तो ये वेद होते हैं चार प्रकार के। अब कौन कौन वेद होते हैं, अब देखिए इसके माध्यम से रिवीजन भी एक बार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए, वेद कौन कौन होते हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। वेद कितने प्रकार के, चार प्रकार के। और शुरू वाले वेद को क्या कहते हैं, शुरुआत में जिस वेद की रचना हुई, सबसे पहले प्रारंभिक वेद के सबसे प्राचीन वेद किसको माना जाता है, चलिए बताइए सबसे प्राचीन वेद किसको माना जाता है, ऋग्वेद को। और बाद वाले तीनों वेद को क्या कहते हैं, उत्तर वेद। बाद वाले तीनों वेद को उत्तर वेद, या जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उस काल को क्या कहते हैं, बताइए। तो जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उस काल को ऋग्वेदी काल, और बाद में तीनों वेद की जो रचना हुई, ये सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, तो ये बाकी तीनों वेद जब रचना हुआ उसको उत्तर वेद कहते हैं। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन हम लोग कितना क्वेश्चन देख लिए, फिर अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। ए 8वां, बी 5वां, सी 9वां और डी 10वां। तो ये 10वां मंडल में किसका वर्णन है, पुरुष सूक्त का। पुरुष सूक्त का किस में वर्णन है, ऋग्वेद के किस मंडल में, 10वें मंडल में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पुरातात्विक स्रोत निम्न में से कौन नहीं है, सिक्का, मूर्ति, मुहर या अर्थशास्त्र, बताइए। तो इस कौन पुरातात्विक नहीं, हम पुरातात्विक को पूरा बढ़िया से बताएंगे, पुरातात्विक क्या होता है, पुरातत्व का मतलब क्या होता है, साहित्य का मतलब क्या होता है, पूरा एकदम डिटेल में हम समझाएं कि इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए बताइए, सिक्का, मूर्ति, मुहर या अर्थशास्त्र, तो ये है अर्थशास्त्र। ये जो पुरातात्विक स्रोत निम्न में से कौन नहीं है, तो ये अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक साहित्यिक स्रोत है, बाकी जो सिक्का है, मूर्ति है, मुहर है, ये सब क्या है, पुरातात्विक स्रोत है, और ये अर्थशास्त्र एक साहित्यिक स्रोत है। किसके द्वारा लिखा गया, बताइए तो अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है, ये चाणक्य के द्वारा लिखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हाथी गुफा अभिलेख किसका है, चार नंबर है, हाथी गुफा अभिलेख किसका है, ए रुद्रदामन, बी खारवेल, सी समुद्रगुप्त और डी स्कंदगुप्त। तो ये किसका है, हाथी गुफा अभिलेख, ये खारवेल का है। किसका है, खारवेल का। और आप लोग अंत में कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये 10 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन का सही जवाब दिया आपने, कितना क्वेश्चन पहले से ही आपको याद था। अगर याद था तो समझिए आप अच्छा से पढ़ रहे हैं, तो आपको कितना इसमें से क्वेश्चन याद था ये कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सात स्वरों की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है, किस वेद से मानी जाती है, ये सामवेद, बी ऋग्वेद, सी यजुर्वेद और डी अथर्ववेद। यानी कि किस वेद से सात स्वर की उत्पत्ति मानी जाती है, तो ये है सामवेद से। सामवेद से सात स्वर की उत्पत्ति मानी, सात स्वर कौन कौन होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये सात जो स्वर है, ये संगीत के लिए सात स्वर जरूरी होता है, तो ये सात स्वर की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है, ये मानी जाती है सामवेद से। सबसे पहले ब्राह्मी लिपि कब पढ़ा गया, ए 1938, बी 1940, सी 1937 और डी 1985। हम बताए हैं कब पढ़ा गया, 1938 में। सबसे पहले ब्राह्मणी लिपि कब पढ़ा गया, 1938 में। और उसके बाद पुरातत्व में और भी खोज होने लगे, और किसने पढ़ा था ये ब्राह्मणी लिपि, बताइए तो किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था इसको, ब्राह्मणी लिपि को। और ब्राह्मणी लिपि, ये इस लिपि में किसका अभिलेख था, सम्राट अशोक का, उसका ब्राह्मणी लिपि में मिला, ग्रीक और अरमाइक लिपियों में भी मिला, ये अलग अलग लिपि में उसका अभिलेख मिला है। मतलब जूनागढ़ अभिलेख किसका है, ए बिम्बिसार, बी रुद्रदामन, सी विक्रमादित्य और डी श्रीगुप्त। तो ये रुद्रदामन का है जूनागढ़ अभिलेख। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये अर्थशास्त्र किसने लिखा है, चलिए बताइए अर्थशास्त्र किसने लिखा है, ए कल्लण, बी विशाखा दत्त, सी चाणक्य और डी पाणिनि। ये किसने लिखा है, ये चाणक्य ने लिखा है। किसने, चाणक्य ने। अर्थशास्त्र किसने लिखा है, चाणक्य। बताइए अर्थशास्त्र में क्या, किस चीज के बारे में है, अर्थशास्त्र में पूर्ण रूप से, एकदम पूर्ण रूप से किस चीज के, राजनीति के बारे में है।
राजा कैसे होना चाहिए, राजा के कितने अंग होने चाहिए, राजा का जो ये मंत्री कैसा, मंत्री परिषद कैसा होना चाहिए, कर की व्यवस्था कैसे होना चाहिए, राजकुमार कैसा होना चाहिए, राजकुमार मतलब राजा के बाद जो राजा बनने वाला है उसकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, और कर का प्रणाली, मंत्री परिषद कैसे होना, सेना का कैसे होना, सेना कैसे होनी चाहिए, पूरा मतलब पूरा डिटेल में राजनीति के बारे में ही था। किसने? और शास्त्र में किसने लिखा था? चाणक्य ने। चाणक्य का दो और नाम है, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ध्यान रखिएगा, यानी तीन को नाम कुल हो गया। इतने किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? इतने बताइए किसका ब्राह्मण ग्रंथ? सामवेद, पुराण, ऋग्वेद या यजुर्वेद? तो ये है ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। ये तरह किसका है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। आगे बढ़ते हैं, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? सबसे प्राचीन वेद किसको माना जाता है? सबसे प्राचीन वेद किसको माना जाता है? ऋग्वेद को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? मंडलों की संख्या कुल कितनी है? 10। कितना है? 10। हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तब कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा।